तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीव्यू है थंबनेल का, ऐसे थंबनेल आप मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर बना सकते हैं। ये थंबनेल दोस्तों लाइक फायर आइस गेमिंग और हैप्पी प्रिंस गेमिंग अपने जो थंबनेल है आपने देखे होंगे उनके वीडियोस में ऐसे ही थंबनेल रहते हैं जहाँ वो अपलोड करते हैं, तो काफ़ी अच्छे थंबनेल लगते हैं, HD क्वालिटी के थंबनेल है। तो ऐसे थंबनेल बनाने के लिए आप मात्र एक ही एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है पिक्सल ऐप, और बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। मैं इतने इजी स्टेप्स बताऊंगा, शायद ही यूट्यूब पर ऐसे स्टेप्स किसी ने बताए हों, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, और चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना, पिक्सल ऐप जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। सिर्फ और सिर्फ पिक्सल ऐप एप्लीकेशन की जरूरत होगी, किसी की नहीं। तो यहाँ पे मैं पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, और जैसे यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे जो टेक्स्ट लिख के आ रहा है न्यू टेक्स्ट, यहाँ पे आपको टैप करना है और जो भी आपको लिखना है अपने थंबनेल पर वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेडशॉट, और इसको कैपिटल लेटर में कर दीजिए। तो यहाँ पे जहाँ पे रेड एरो आ रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ओके कर देना है। अब यहाँ पे जो भी मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट में आपको जाना है, तो फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं इस फॉन्ट का यूज़ करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यही फॉन्ट है, काफ़ी अच्छा लगता है। इसको आपको साइज़ जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, साइज़ आपका इंक्रीज़ हो चुका है, आपको नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं फॉन्ट स्टाइल, आपको आगे जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इनर साइड, उस पर आपको क्लिक करना है और उसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको जो ब्लर रेडियस है इसका थोड़ा सा क्या करना है, हल्का सा दो, इसको दो कर देना है, ये 3 दिख रहा था आपको, उसको दो कर देना है, ब्लर रेडियस लिखा हुआ है माइनस, इसको दो कर देना जैसे कि सेम टू सेम मैंने किया है, ठीक है। और जो ऑफसेट एक्स है इसको भी आपको क्या करना है, इसको हल्का सा -4 या 5 कर देना है, ठीक है। तो -4 कर दिया, सही के निशान पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये इनर शेडो हो गया, फिर शेडो का ऑप्शन आएगा उसके पीछे, शेडो पे क्लिक करना है, इनेबल करना है इसको, और जो ऑपेसिटी है इसकी इसको क्या करना है, हल्का सा आपको कम कर देना है, तो लगभग 50 रख लेनी इसकी ऑपेसिटी। और जो ब्लर रेडियस है इसको हल्का सा बढ़ा देना, लगभग 30 कर देना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, फिर इसको सही के निशान पर ओके कर देना, और जो फिर से स्ट्रोक का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है, इनेबल करना है इसको, और जो स्ट्रोक है लगभग यहाँ पे इसको आप क्या करते हैं 5 कर देना, ठीक है। उसके बाद ओके कर देना, ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहीं पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, तो कलर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और आप कलर क्या है जो भी कलर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कलर आपके में ना आ रहा हो तो यहाँ पे ग्रेडिएंट भी आपको मिलता है, कलर भी मिलता है, तो यहाँ पे मैं कलर रखूँगा। ऊपर जो प्लस का आइकन है यहाँ पर नीचे आप देखिए प्लस का जो आइकन रेड एरो, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कलर का ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ पर बता दिया मैंने आपको, अगर नहीं पता था तो यहाँ मैं येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद दोस्तों आपको सही के निशान पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, और इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना हेडशॉट को। यहाँ पे मुझे और भी कुछ लिखना है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ UMP ट्रिक, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। UMP ट्रिक लिखने के बाद इसको आपको कह रहे हैं कैपिटल लेटर में कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको जो साइज़ है इसके हिसाब से मैं फिट कर देता हूँ, सेम टू सेम इतना ही साइज़ रख लेता हूँ, रख लिया मैंने। आपको ऐसे इसको चिपका देना जैसे कि आप देख सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे करना है। अब आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, और एक काम आपको और करना है UMP ट्रिक में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो कलर है इसका हम दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक सा कलर अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे कलर पे जाएंगे तो यहाँ पे आप वाइट भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेडिएंट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा इस लुक में कर लेता हूँ, UMP ट्रिक, ठीक है। अब आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शेप्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करिए, और जो शेप्स है इसको यहाँ पे इसको छुपा दीजिए सेम टू सेम, ठीक है, इसको छुपा दीजिए, छुप गया है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको जो कलर है उसको ब्लैक कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे एरो है, जहाँ पे रेड एरो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसको टू बैक कर लेना है। टू बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जैसे देखते हैं बैकग्राउंड के ऑप्शन है, जहाँ पे रेड एरो आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और इसको क्या करना है ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करके, इसको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए इमेज साइज, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इसको कर देना 1280 है, 1080 करना है, ताकि हमको ये HD क्वालिटी बनाए, तो 180p में कर लेते हैं 180, ठीक है, ये हो गया। फिर से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ PNG रहने देना है, ठीक है। कस्टम पे आएंगे, कस्टम पे आने के बाद ये देखिए अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे और इसको सेव टू गैलरी में सेव कर देंगे। ये हमारा जो है वो गैलरी में सेव हो चुका है। अब हमको क्या करना है, बैक आना है, ठीक है। तो ये जरा ऐड आ गया, इसको हम ऐड को हटा देते हैं, क्लिक कर देते हैं, ये हमको हमने इसको बैक कर दिया।
बैक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से न्यू प्रोजेक्ट लेना है। फिर से हम उसको जैसे कि आप देखते हैं न्यू प्रोजेक्ट ले लिया है। अब आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और जो भी आपने अपनी गैलरी में इमेज साइज मतलब स्क्रीन शॉट ले रखा हो उसको आप ले लीजिए। तो यहाँ पर हम किसी एक स्क्रीन शॉट को ले लेते हैं। तो यहाँ मैं स्क्रीन शॉट यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर जो भी मैंने लेके रखा था कहाँ गया स्क्रीन शॉट। तो यहाँ मैं गैलरी में जाता हूँ, तो गैलरी में जाके आपको यहाँ पर जो स्क्रीन शॉट है उसको ले लेना। तो यहाँ पे स्क्रीन शॉट ये रहा, ठीक है ये रहा, हमने स्क्रीन शॉट ले लिया है। अब जो साइज़ है इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं फिट कर लेता हूँ और थंबनेल का साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पहले कट कर लेता हूँ जितना मुझे चाहिए हिस्सा, ओके कर देता हूँ, ये ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थंबनेल का जो साइज़ है थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा, इमेज साइज पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्या करना है मुझे 1920, ये थंबनेल का साइज़ सबसे बेस्ट होता है, 1080, ठीक है ओके कर देता हूँ। ये रहा हमारा हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं एक चीज़ दूंगा तो वो जो है आपको अपने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ पे मैं गैलरी में चला जाता हूँ। गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर रखा था, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है ये इस लुक में, ठीक है थोड़ा सा ये हेलो हो जाए। और ये देखिए इसको ये फिट कर दीजिए पूरा इस तरीके से, ठीक है। फिट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप चाहें अगर इसको थोड़ा सा और भी एक यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो कुछ कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जो हमने हेडशॉट एम्पीट्रिक लिया था इसको क्लिक कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। और ये देखिए हमारा आ गया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, अच्छा लगे। ये देखिए ये यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। अब आप देखना एक चीज़ क्या है, आप इसको स्ट्रोक देना चाहे तो दे सकते हैं, यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करेंगे और ये देखिए आपके ऊपर है स्ट्रोक देना। अगर आपको स्ट्रोक अच्छा लगता है स्ट्रोक दे दीजिए, स्ट्रोक का ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक करना है। और ये देखिए थोड़ा सा आप इसको चाहें तो आप येलो कलर का किसी भी कलर का स्ट्रोक दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये स्ट्रोक हो रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो यहाँ पे आप वाइट भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये देखिए स्ट्रोक मैं यहाँ पे देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा येलो कलर का स्ट्रोक दे सकता हूँ। ये देखिए हल्का सा ये स्ट्रोक हो गया, ओके कर देता हूँ मैं। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है, कुछ चीज़ हम और यूज़ करेंगे। यहाँ पे गैलरी में जाने के बाद मैं जैसे कि दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो इसको भी थोड़ा सा रोटेट करके स्लाइड साइज जो है सेलेक्ट करके इसको कहीं पे भी लगा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको केवल एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार और। मैं कॉपी करने के बाद इसको रोटेट करता हूँ और इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और दूंगा इमोजी, तो इमोजी मैं यहीं से मुझे मिल जाएगी टेक्स्ट में ही, तो इमोजी भी मैं लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा नहीं। ये रही इमोजी, किधर गई, ये दीजिए, ठीक है। इस इमोजी को आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, चाहे तो आप यहाँ पे इसको इमोजी को भी लगा सकते हैं, ठीक है इमोजी लग गई। अब अगर आप यहाँ पे यूएमपी गन लाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मैंने यहाँ पे यूएमपी गन की जो रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये देखिए कहाँ गई यूएमपी, अभी मैं आपको ये दीजिए यूएमपी मुझे मिल गई, ओके करता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको यूएमपी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अगर आप यूएमपी को हेडशॉट यहाँ पे जैसे दे सकते हैं, यूएमपी जो आ रही है इसको आप स्ट्रोक देना चाहे इसको भी स्ट्रोक दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ, थोड़ा सा वाइट कलर का, वाइट या ब्लैक, यहाँ पे स्ट्रोक दे दिया है। अब ओके करना है, थ्री डॉट पे ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट इमेज इस पर क्लिक करना है, कस्टम पे क्लिक करना है और इसको अल्ट्रा पे क्लिक करके सेव टू गैलरी में कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो थंबनेल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको गैलरी में जाता हूँ दिखाता हूँ तो काफ़ी अच्छे थंबनेल दोस्तों क्रिएट हुआ है और केवल एक ही एप्लीकेशन की मदद से। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, सबसे पहले आप थंबनेल देख लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से थंबनेल आप दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं अपने गेमिंग चैनल के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना,
और थोड़ा सा कमेंट जरूर करना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर बताना।